अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मुजरमान और आप देख रहे हैं एनी इन्फॉर्मेशन टीवी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि हम बाय या सेल कैसे कर सकते हैं, या अभी मौजूदा मार्केट का क्या हाल है, उस हिसाब से हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, बट उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ जाके इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हैदराबाद ऑनलाइन एसेसरीज एक आपको पेज है फेसबुक पे मिल जाएगा, जाओ जाके इसको लाइक करो और यहाँ पे आप काफ़ी सारे इनके रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। आपको हैंड फ्रीज और गेमिंग और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हो, और वो भी आपको एक अच्छे प्राइस में एक डिस्काउंट के साथ, ठीक है। मार्केट रेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके अलावा जब आप डिस्काउंट चेक करोगे तो आपको बहुत ही कम डिस्काउंट के अंदर एक अच्छी चीज़ मिलेगी, जैसे कि गेमिंग और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर इनका पेज है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इनका जल्द आपको इनकी वेबसाइट जो है उसका भी आपको यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो बहुत ही ट्रस्टेड है, आप जाओ जाके, बिल्कुल मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी मसला हो तो मुझे आप ज़रूर बताना, बट आप लोग जाओ जाके इसको ज़रूर सपोर्ट करो, फॉलो करो और यहाँ से आपको जो मंगवाना है आप मंगवाओ। अच्छा जी, तो अब आते हैं मार्केट की तरफ। अब मार्केट का सूरत हाल ये है कि जो कि 1-2 ट्रिलियन पे पहुंची हुई थी, बल्कि 2 ट्रिलियन से ज़्यादा पर थी मार्केट, ठीक है। ये होती है मार्केट कैप आपकी, जो कि 2 ट्रिलियन से ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो BTC था वो आई थिंक 53 57 पे यहाँ पर था, और यहाँ पर जो इथेरियम था वो यहाँ पर था 14-15 भी हो चुका था, ठीक है। क्योंकि जब अभी ये $26 हुआ था उस टाइम पर ये इतना हो चुका था। अभी क्या सूरत हाल है, अभी सूरत हाल ये है कि 28 से होके ये वापस 29 पे BTC आया है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर नीचे डंप कर ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो $2,180 यहाँ पर इथेरियम हो चुका है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी है, क्योंकि ये 300 बिलियन हो गई थी, बट यहाँ पर काफ़ी गिरी है। ये कम अज़ कम भी यहाँ पर 1.1 ट्रिलियन थी, बट ये अभी काफ़ी गिर चुकी है। बाइनेंस की बात करें और काफ़ी सारे कॉइन्स की बात करें तो वो सब अभी नीचे ही गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अभी जितनी भी आपकी पूरी मार्केट है वो अभी फ़िलहाल माइनस के अंदर चल रही है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो कि 3% जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हुई है आज, ठीक है। तो खैर, अब इसका क्या हल है और उसके अलावा हमें बाय और सेल कब करना चाहिए, मैं इसका ही बताता हूँ। तो हम यहाँ से चलेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ से हमें सीधा सीधा कहाँ जाना है, यहाँ से हमें जाना है पेयर के अकाउंट में। पैर के अकाउंट में जाने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ से ही बाय और सेल करता हूँ, मैं बाइनेंस से नहीं करता, उसकी वजह भी है, बट पहले मैं आपको बाइनेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर पैर भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये हमारा बाइनेंस है, ठीक है। बाइनेंस के अंदर क्या सीन है यार, कि अभी भी इसके अंदर पता नहीं लाइट और क्या क्या चीज़ें बता रहा है, और ये है कि थोड़ा बस इसमें मुझे इशू लगता है, और ये मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाई भी नहीं हो रहा है, जिस वजह से मैं करवा भी नहीं रहा। मैंने कहा भाई आप इसको रहने ही दो, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम यहाँ पर आते हैं और इसका अगर BTC अभी देखते हैं तो कहाँ पर चल रहा है, वो भी आपके सामने है, ठीक है। 1 घंटे पहले कहाँ पर था वो भी आपके सामने है, कि मतलब कि ये 51 को टच करके वापस नीचे आया है। अब मसला ये है कि अभी ये और नीचे आएगा, ठीक है ना, ये अभी और नीचे आएगा और ये नीचे ही आता रहेगा, और कहाँ तक नीचे आएगा मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी बाइंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारी अभी सेलिंग ज़रूरी नहीं है, और जिन लोगों ने महंगा बाय किया था उनको भी मैं दिलासा देने के लिए एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पर चेक करो कि मेरे डॉलर कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे कुछ BTC हैं और कुछ यहाँ पर मेरे इथेरियम है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ हिस्ट्री के अंदर, तो मैंने हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल को मैंने यहाँ पे बाय किए थे $22 के BTC, ठीक है। $22 के BTC मैंने बाय किए थे, जो कि मैंने किए थे यहाँ पे कितने 59799, ठीक है, मतलब के $60,000 पे मैंने ये बाय किया है, ठीक है। BTC मैंने इतना सा बाई किया था। उसके बाद फिर मैंने कब BTC बाई किया, 13 अप्रैल को $34 का मैंने बाई किया, जो कि मैंने $62 या $63 पे बाई किया, आप ये समझ लो, ठीक है। उसके अलावा एक और बात, मैंने फिर 15 तारीख को बाई किया, जो कि मैंने इथेरियम बाई किया था $28 का $24.50 पे, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पर मैंने फिर मैंने यहाँ पर एक और बाइंग की BTC की, जो कि मैंने की कम अज़ कम भी 61,000 डॉलर के ऊपर मैंने बाई किया था, $32 का, ठीक है, कुछ ना कुछ फिर BTC।
उसके अलावा मैंने $27 का मैंने फिर BTC, ये सब कुछ मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, उसकी वजह ये बताता हूँ कि जिस बंदे ने अगर महंगा ख़रीद लिया है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, देखो हमने ही महंगा ख़रीदा है, ठीक है। और अब इसके आगे क्या करना है ये अब आप सुन लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काम की। $26 पे भी, $26 कल की बात है, कल भी मैंने $17 का बाय किया है, कम से कम भी 5,000 का मैंने यहाँ पर एथेरियम जो है वो बाय किया है। बट उसकी वजह क्या है, अब ये तो मैंने सब कुछ ख़रीद लिया और अभी मैं बिल्कुल ही मेरा जो बैलेंस वो माइनस में चल रहा है, पर इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, इसमें मेरा फ़ायदा ये है कि अभी जो BTC है, ठीक है, करंटली जो इसकी सिचुएशन है उस हिसाब से अगर मैं BTC की ट्रेडिंग खोलता हूँ तो BTC डंप कर रहा है, ठीक है। और अभी आप वेट करो, जो भी बंदा लेना चाहता है BTC को वो फ़िलहाल अभी यहाँ पे वेट करे। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर अभी और गिरेगा और ये कम से कम भी जो इसकी जो रियल जो इसकी आपकी जो जहाँ पर ये पहले स्टेक किया हुआ था उसने के $40,000 और उसके अलावा 42 या यहाँ पर 40 के करीब ये लगभग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी ये 49 पे तो आ चुका है, बट ये और नीचे गिरेगा और ये 42 या 40 पे अगर आपको बाय करने को मिले तो आप यहाँ पर ज़रूर बाय करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं और बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर मेरे जितने लोग हैं वो सब भी वेट कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा वेट वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने मार्केट को ऊपर नीचे करना होता है, ठीक है, समय के लिहाज से। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे होंगे जो घबराएंगे और उसके बाद ये कि वो बेचेंगे, वो बेच के निकलेंगे, उनका नुकसान होगा। और यूँ यहाँ पर जिसने $20,000 में ख़रीदा होगा अगर आज वो 49 में भी बेचेगा तो वो डबल ही खेल के जाएगा, तो उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नुकसान होगा आपका ही, किसी और का नहीं होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको वेट करना है, ये जैसे ही $40 पे आता है या $42 पे आता है आपको और बाइंग करनी है, क्योंकि उस टाइम पे 2 या 1 हफ्ते के अंदर बाइंग बहुत होने वाली है अगर ये 42 या 40 के ऊपर भी ये स्टे रहा तो। और जैसी बाइंग होगी तो मार्केट वापस ऊपर बढ़ेगी और ये कि फिर शायद मैं नहीं समझता कि वापस कभी ये 40 के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदों ने $34,000 के ऊपर बाइंग की है जिस वजह से मार्केट ऊपर गई थी, तो अब ये ऊपर नहीं जाएगी। $70,000 पे मैंने कहा था कि ये BTC आएगा और वो ज़रूर आएगा। उसकी वजह ये है कि डंप एक दफ़ा इस वजह से था कि भाई जितने लोग भी ले सकते थे उन्होंने ले लिए आप लोगों की कॉइन, क्योंकि यहाँ पर डर के मारे जितने लोगों ने ये चीज़ बेची है ना, इस वजह से फ़ायदा हुआ है उन लोगों को जिन लोगों को सामान चाहिए था। बट वो अभी लेंगे और जब वो लेंगे तो फिर देखना आप लोग कि ये कितनी ऊपर जाएगा। और ये $70,000 $1,000 बिल्कुल आराम से इजीली 2021 के अंदर ये चेस करेगा। ये वीडियो मेरी आपके सामने होगी और मैं आपको इस बात की गारंटी दूंगा कि भाई आप देख लो कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर कहा था कि $70,000 $1,00,000 कुछ भी नहीं है, ये 2021 के अंदर इसको कवर कर लेगा। और अगर यहाँ पर 40 या $42 में मिल रहा है तो ले लेना, मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मैं और लेके रख लूँ, ठीक है। हालांकि मैंने महंगा जो ख़रीदा है मुझे वो भी कवर हो जाएगा मेरा, बट यहाँ पर जो मेरे $40,000 पे अगर मैं यहाँ से लूँगा तो उस पर ही मुझे और फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे होगा मैं ये समझा देता हूँ। अगर हम चलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि भाई मुझे BTC बाय करना है, ठीक है, BTC बाय करना है, मैं आपको समझाता हूँ कि फ़ायदा कैसे होगा और नुकसान कैसे होगा। अब अगर मैंने एक BTC फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जी, अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझें कि जब अगर ये $40,000 पे अगर ये आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, या चलो हम इसको 42 कर लेते हैं, ठीक है, $42,000 पे ये आ चुका है BTC। और अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको बाय करना चाहता हूँ, इसको मैं बाय करना चाहता हूँ कम अज़ कम भी, जैसे कि मैंने $200 का इसको बाय किया है, ठीक है, इतने प्राइस पर मैंने $200 की यहाँ पर बाय कर लिया, जो कि मेरा बन रहा है 0.0047619, ठीक है, ये मेरा BTC बन रहा है कि भाई मैंने इतना बाय कर लिया। अब फॉर एग्जांपल ये जो BTC है ये इतना ही रहता है, ठीक है, हम इसको इतना ही रखते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम करते हैं अब कि भाई ये यहाँ पर अब जा चुका है $50,000 पे, ठीक है, आपने 42 का लिया, अब ये चला गया $50,000 पे, तो यहाँ पर आपको $38 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 8,000 आपके अगर यहाँ पे BTC का रेट बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको $33,000 का आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा, ठीक है, $38 का फ़ायदा होगा। बट अगर हम यहाँ पे इसको 60 करते हैं $60,000, तो यहाँ पर आपका जो होगा कम से कम भी $85 का प्रॉफिट होगा और आपके जो पैसे हैं वो भी वैसे के वैसे रहेंगे। अब ये जितनी मज़ीद ऊपर जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। जैसे कि अब आप चेक करो, अगर ये $7,000 पे चला जाता है तो यहाँ पर आप $113 के अंदर आप प्रॉफिट कर जाओगे। और अगर ये $1,00,000 पे चला जाता है, जैसे कि जाएगा भी इंशाल्लाह,
तो अगर वो जाता है तो यहाँ पर आप कम अज़ कम भी डबल गेम खेल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने लिया इतने में था, आपने जो $200 का लिया आज वो आपके $400 भी हो गए। तो इस तरीके से BTC आपका गेन करता है, इंक्रीज़ करता है। तो मेरी आपको सजेशन यही है, जैसे ही अगर ये 42-40 पे आता है आप इसको बाय कर लो, जितना होता है उतना बाय करके आप इसको रख लो और देखना उसके बाद कुछ टाइम के अंदर ये कैसा ऊपर जाएगा और ये क्या आपको ठीक ठाक प्रॉफिट दे देगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, खास तौर पे अगर आपको बाय करना है, तो एक और भी मैं बताता चलूँ कि एथेरियम के बारे में आपको एक और मैं भी एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई और वीडियो क्रिप्टो करेंसी के बारे में चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।